गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद फिदेलिस आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ कक्षा 6 को लेकर के। जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत, और संस्कृत में सबसे पहले हम लोग प्रथम चैप्टर पांचवें अध्याय को देखेंगे जो कि है कर्ति कारकम। बच्चों ये ध्यान में रखना है कि कर्ता कारक को संस्कृत में कर्ति कारकम के रूप से जानते हैं। और अब हम आते हैं, और आपको यह भी जानना होगा कि सर्वप्रथम कारक किसे कहते हैं। तो वाक्य के जिस रूप से संज्ञा या स्वनाम का संबंध क्रिया फल पड़े उसे कारक कहते हैं। और इसमें हम देखेंगे कर्तृ कारक में सबसे पहला जो है प्रथमा विभक्ति, और प्रथमा विभक्ति का जो चिन्ह होता है ने होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कर्ता यानी कर्तृ कारक है क्या। तो क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। आपकी किताब में अगर आप अभी तक किताब नहीं खोले हैं तो खोल करके देख लीजिए, पेज नंबर 17, यानी क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। यानी अगर मैं किसी काम को करता हूँ तो मैं क्या कहलाऊंगा, कर्ता कहलाऊंगा। और इसका जो चिन्ह जो होगा कर्ता कारक का चिन्ह जो है ने है, यानी इसको प्रसर के रूप में भी हम लोग जानते हैं। यानी अगर परीक्षा में आ जाए कि प्रसर किसे कहते हैं तो आप बोलोगे कि कारकीय चिन्ह को प्रसर कहते हैं, या कारक के चिन्हों को प्रसर कहते हैं। इस तरह आप उसका जवाब लिख सकते हो। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है, जो कि आपकी किताब में भी लिखा हुआ है। और बच्चों मैं एक बात बता दूं कि कारक के अंतर्गत प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति कभी कभी दिखाई नहीं देते हैं। तो दिखाई नहीं देते तो उसको जानना बहुत ही जरूरी है कि वो कैसे किस तरह से छिप जाते हैं, तो वाक्य के दौरान ही छिपते हैं। अब हम आते हैं चैप्टर की ओर, और चैप्टर को समझेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन से विभक्ति है, कैसे जुड़े हुए हैं, और किस प्रकार से इसके वाक्य बनते हैं या इसका अनुवादन होता है। तो किताब में आप देखोगे कि बालका क्रीड़ा क्षेत्र, एक बार मैं पढ़ता हूँ, बालका क्रीड़ा क्षेत्र गच्छन्ति तत्र गत्वा ते क्रीडन्ति सुशील रामो क्रिकेट क्रीडां क्रीडत सुशील कंदुकं प्रक्षिपति राम कंदुकं क्रिकेट दंडेन ताडयति तत्र बाले अपि धावत। एक ही पैराग्राफ को बच्चों मैंने लिया है, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे सबसे पहले आप अपनी कॉपी में जो भी शब्दार्थ दिए गए हैं उसे आप लिख लोगे। और शब्दार्थ के अलावा बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं, शब्दार्थ में तो लिखा हुआ है लेकिन किस ढंग से उसका प्रयोग करते हैं वो भी जानना जरूरी है। तो अब हम लोग प्रत्येक वाक्य को ध्यान से देखते हुए उसे अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आखिर यह किस प्रकार के वाक्यों को बतलाता है। तो पहला जो है बालका, बालका कौन सी विभक्ति अगर आप जाने तो प्रथमा विभक्ति कौन सा वचन, बहुवचन। बच्चों मैंने बालक राम शब्द के रूप में अकरांत पुल्लिंग बताया था, उसी के आधार पर ये भी आपको लिया जा सकता है। तो बालका प्रथमा विभक्ति बहुवचन। क्रीड़ा क्षेत्र, तो जैसा आप पढ़ते हो रामा 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 रामम, तो क्षेत्र यानी क्षेत्र को, क्षेत्र अर्थात क्षेत्र को। आपकी किताब में दिया गया है खेल का मैदान, यानी क्षेत्र यहाँ पर खेल के मैदान को बताया गया है, अर्थात बाल सभी बालक खेल के मैदान को जाते हैं, गच्छन्ति मतलब जाते हैं, यानी गच्छन्ति कौन सा हो गया आपको बहुवचन आ जाएगा, स्ति तो अंति तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति। तो बालका क्रीड़ा क्षेत्र गच्छन्ति, यानी सभी बालक खेल के मैदान को जाते हैं। याद कर सकते हो सभी बालक खेल के मैदान को जाते हैं, या खेल के मैदान में जाते हैं, मैं नहीं बताएंगे इसमें वो बताएंगे। तत्र गत्वा यानी क्रीड़ा क्षेत्र जो आपके किताब में दिया गया है, यहाँ पर आप देखोगे खेल का मैदान, आप सीधा लिख दोगे खेल के मैदान को जोड़ोगे। तत्र गत्वा ते क्रीडन्ति, तत्र मतलब वहां, यत्र मतलब यहाँ, यत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहां। तो जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसके शब्द उसको शब्दार्थ में लिखोगे, अगर नहीं लिखा हुआ है तो उसको सुधारोगे, लिख करके लिखाओगे। गत्वा, गत्वा का अर्थ होता है जाकर, गत्वा मतलब जाकर, गत्वा मतलब करकर।
तेल क्रीडंती, तेल का मतलब होता है वे सब, वे सब, स तौ ते, स तौ ते, तो ते क्रीडंती, क्रीडंती मतलब खेलते हैं, तो ते के साथ अंति लगता है इसलिए क्रीडंती हो गया। तो तत्र गत्वा ते क्रीडंती, वहां जाकर वे सब खेलते हैं, वहां जाकर वे सब खेलते हैं। तो जो जो मैं अंडरलाइन करूंगा उसका अनुवाद यानी शब्दार्थ उसका भी आप लिखोगे। तीसरा लाइन आते हैं सुशील रामो, सुशील रामो क्रिकेट क्रीडा, क्रिकेट क्रीडा क्रीडता, तो सुशील राम, सुशील राम क्रिकेट खेल को खेलते हैं, क्रिकेट के खेल को खेलते हैं। तो क्रीडा यहाँ पर कौन सी व्यक्ति हो जाएगा, आप जानते हो जैसा कि राम, राम ने बताया रामस्य रामय रामनाम, तो षष्ठी व्यक्ति होगा क्रीडता यानी खेलते हैं। अब हम आते हैं यानी इसका भी आप लिखोगे विभक्ति, कौन सी विभक्ति है और उसका हिंदी अनुवाद करोगे, क्रीड धातु है यानी खेल। सुशील कंदुकम, कंदुकम आ गया, कंदुकम द्वितीय व्यक्ति, एक द्वितीय व्यक्ति एक वचन, कंदुकम यानी गेंद को। प्रक्षिपति जो कि आपकी किताब में दिया गया यानी फेंकता है, यानी सुशील गेंद को फेंकता है, यहाँ पर सुशील गेंद को फेंकता है यानी कंदुकम, कंदुकम यानी गेंद को। बच्चे क्या करते हैं कक्षा में अपने पेन को फेंकते हैं या किस कहीं पे डालते हैं, तो हम कह सकते हैं अगर छात्र कलम है ना अपक्षिपति यानी छात्र कलम को फेंकता है, तो बहुत सारे शब्द हम लोग बना सकते हैं उसी के आधार पर। तो यहाँ पे प्रक्षिपति जो भी आपके शब्दार्थ शब्दार्थ में लिखा हुआ शब्दार्थ है जिसको तो कहते हैं, तो ये भी आप लिखेंगे राम कंदुकम क्रिकेट दंडेन, क्रिकेट दंडेन, तो राम गेंद को क्रिकेट के डंडे से, क्रिकेट दंडेन क्रिकेट के डंडे से, कलमेन कलम से, तो ग्रामेन गांव से, जो भी है आप इसको आप लिख सकते हो, बहुत सारे शब्द इससे बन सकते हैं, विद्यालयेन विद्यालय से, पुस्तकेन पुस्तक से, तो जहाँ एन लग गया जो कि आपको बताया गया उसका अर्थ से हो जाता है, तो राम कंदुकम क्रिकेट क्रिकेट डंडे न ताड़ेती, तो राम गेंद को क्रिकेट के डंडे से क्या करता है पीटता है। उसके बाद हम आते हैं यानी क्रिकेट दंडे न, आप देखोगे यहाँ पर क्रिकेट दंडम लिखा है यानी बल्ला को, यानी को यहाँ पे केना है तो क्रिकेट के दंडे से यानी बल्ले से। अब अंत में आप आते हैं यहाँ पर तत्र जो कि अंडरलाइन करा हुआ है, तत्र मतलब वहाँ, बाले अपि धावत, यहाँ पर बाले अपि धावत, बाला बाले, बाला बाले अर्थात यह कौन सा है स्त्रीलिंग हो गया यानी प्रथमा विभक्ति का द्विवचन, बाला बाला बाले बाला, तो बाले यानी दो लड़कियां, तो वहां दो लड़कियां भी, अपनी उनका क्या होता है भी, तो अपनी तरफ भी धावत, वहां दो लड़कियां भी दौड़ती है। तो बच्चों यहाँ पे पूरी तरह से स्पष्ट है कि जो जो अंडरलाइन किया गया है आप उसको लिख लोगे और इस पैराग्राफ का अनुवादन हिंदी में करोगे। आपका होमवर्क यही है कि इसे हिंदी में हर एक वाक्य को हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, यानी एक लाइन आप संस्कृत लिखोगे, दूसरा लाइन हिंदी लिखोगे, फिर संस्कृत लिखोगे, फिर हिंदी लिखोगे, फिर संस्कृत लिखोगे, फिर हिंदी। इस तरह क्या होगा कि आप अच्छे तरीके से उसका अनुवादन सीख लोगे और सीख के बाद आगे भी क्लास में जाओगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप जानकारी भी हासिल कर सकते हो। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।